नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के मुख्य कार्यों का दिशा निर्देश हेतु वर्णन कार्य सूची। पहले हम इसमें पढ़ेंगे पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के कार्य, जो हम स्लाइड नंबर 6 से 8 पर पढ़ेंगे। दूसरा, मरीज की आवश्यकता का आकलन करें और उसके अनुसार कार्य करें, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 11 पर पढ़ेंगे। तीसरा, रिपोर्ट वितरण प्रक्रिया और वृद्धि मैट्रिक्स, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर पढ़ेंगे। चौथा, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, जो हम स्लाइड नंबर 14 से 16 पर पढ़ेंगे। पेशेंट, पांचवा, पेशे के लिए मानदंड, जो हम स्लाइड नंबर 17 पर पढ़ेंगे। छठा, कौशल और योग्यता, जो हम स्लाइड नंबर 18 पर पढ़ेंगे। सातवा, लाभ, जो हम स्लाइड नंबर 19 पर पढ़ेंगे। आठवा, चुनौतियाँ, जो हम स्लाइड नंबर 20 पर पढ़ेंगे। नौवा, अस्पताल में रिसेप्शन क्या है, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर पढ़ेंगे। दसवां, फ्रंट डेस्क क्यों महत्वपूर्ण है, जो हम स्लाइड नंबर 23 पर पढ़ेंगे। ग्यारह, फ्रंट ऑफिस स्टाफ के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या है, जो हम स्लाइड नंबर 24 पर पढ़ेंगे। बारहवा, अच्छा दिशा निर्देश हेतु, जो हम स्लाइड नंबर 25 पर पढ़ेंगे। तेरह, अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 9, 12 और 21 पर पढ़ेंगे। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट क्या होते हैं। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट वह व्यक्ति होते हैं या वह कर्मचारी होते हैं जो हॉस्पिटल और रोगियों के बीच में एक पुल का कार्य करते हैं, मतलब अस्पताल में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। और पेशेंट रिलेशन एसोसिएट अस्पताल और मरीजों और परिवार के बीच एक पुल बनाते हैं, मतलब अगर उसे कुछ मरीज को अस्पताल की पॉलिसीज नहीं समझ में आ रही है, हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है, हॉस्पिटल की जो भी फैसिलिटीज है उनके बारे में नहीं पता है, या ट्रीटमेंट कैसे लेना है वो नहीं पता है, तो इसकी सबकी जानकारी जो होती है वो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट देते हैं, मतलब हॉस्पिटल को ओरिएंटेड कराते हैं मरीज को और उनके परिवारों को, क्योंकि मरीज अस्पतालों में संकट की स्थिति में पहुंचते हैं, इसीलिए उन्हें किसी को अस्पताल की प्रक्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन कराने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर अपने डर को कम करने में मदद करते हैं। उनके काम के लिए उन्हें मरीजों के अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है और मरीज की वकालत भी करते हैं ये लोग, मतलब अगर पेशेंट को कोई परेशानी है या वो उसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वकील के रूप में वह उसके लिए आवाज उठाते हैं, या उसे कोई परेशानी होती है तो उसे सॉल्व करते हैं। अपने काम के हिस्से के रूप में पेशेंट रिलेशन एसोसिएट मरीज के सवालों का जवाब देते हैं और अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं को समझाते हैं, मतलब जो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट है, पीआरए भी बोल सकते हैं हम इसको, वह मरीज को अस्पताल की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी नीतियां हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी है, ड्रेस कोड जो भी है, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। मरीज के कल्याण के लिए एक नर्स और उनके रोगी के बीच एक अच्छा रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। जो मरीज और नर्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो उसी रिलेशन को मेंटेन करने का काम भी पीआरए करते हैं। एक चिकित्सकीय रोगी पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के प्रमुख घटकों और चरणों, इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सकारात्मक परिणामों को भी बताते हैं। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो भी स्पेशलिटीज हैं, उनका जो भी कार्य वर्क है, जो भी उनका प्रोसीजर्स वगैरह होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं पीआरए। छोटे बच्चों के रूप में भी हम सीखते हैं कि दोस्त दुनिया को सुरक्षित और मजेदार महसूस कराते हैं। अगर पीआरए जो होते हैं वो अगर दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे मरीज के साथ, तो उसे अच्छा लगता है, वो अपनी अपने बातें शेयर कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे शेयर कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बना के चलते हैं, और जो भी उनकी सीक्रेट्स होते हैं उनको वो बता देते हैं अगर उनका व्यवहार दोस्त जैसा है, और अपने सभी गोपनीयताओं का सम्मान करना भी पीआरए का वर्क होता है। जो मरीज है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सीक्रेट कर रखना भी जरूरी है, सबके सामने एक्सपोज करना नहीं चाहिए, क्योंकि
अगर हम ऐसा करेंगे तो पीआरए का जो ट्रस्टवर्दी जो रोल होता है वो खत्म हो जाता है, पेशेंट उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से दोस्त हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जब हमें कोई अपना लगता है तो हम आराम भी मिलता है। अगर कोई हमें अपना लगेगा या हमारा फ्रेंडली नेचर उसके साथ होगा तो हमें इजीली रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। अभ्यास प्रश्न एक, प्रश्न अस्पताल के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पेशेंट रिलेशन एसोसिएट अस्पताल और रोगियों के परिवारों के बीच क्या बनाते हैं? अ प्रतिरोध, ब पुल, स सीढ़ियां, द उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है पुल। ब मरीज की आवश्यकता का आकलन करें और उसके अनुसार कार्य करें। जो रोगी संबंध मध्यस्थल के रूप में कार्य करते हैं वे मरीज की शिकायतों का जवाब देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें इलाज के दौरान सकारात्मक अनुभव प्रदान किया जाता है। जो पीआरए होते हैं वो सब कुछ ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया हो हॉस्पिटल से। अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में रोगी संबंध एसोसिएट बीमा कंपनियों के साथ संचार बनाए रखते हैं और यहाँ तक कि लेखांकन और डेटा का विश्लेषण और व्याख्या भी करते हैं। जो पीआरए होते हैं वह मरीज को जो भी बीमा कंपनियां होती हैं उनसे कांटेक्ट रखते हैं और उन्हें उनकी पॉलिसीज के बारे में भी बताते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि रोगियों को एक अस्पताल के भीतर एक उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या संसाधन के लिए भेजा जाता है और अंतर संस्थागत समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि रोगियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, उन्हें सारी केयर मिली हो, जो भी संस्था के अंदर उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया है वो अच्छे से उन्हें मिला हो। अधिकांश स्वास्थ्य सहयोगी का उपयोग अपने व्यक्तिगत रोगियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। पेशेवर प्रशिक्षण और नैदान्तिक अनुभवों के माध्यम से हमने इस मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करना होता है। मतलब हमारा जो टारगेट है कि भाई जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से केयर मिली हो, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिली हो, हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं हैं वो सब कुछ मिला हो, इसीलिए हम उनका उनका जानकारी रखना जरूरी समझते हैं। अभ्यास प्रश्न दो, अपने काम के हिस्से के रूप में रोगी संबंध मरीजों के सवालों का जवाब देते हैं और अस्पताल की रिक्त स्थान को समझाते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? अ नीतियां और प्रक्रियाएं, ब कार्य सेक्टर, स अ व ब दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नीतियां और प्रक्रियाओं को समझाते हैं। रिपोर्ट वितरण और प्रक्रिया और वृद्धि मैट्रिक्स। किसी भी व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मरीज सहायता सेवकों एक सक्षम वृद्धि प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्पित होना चाहिए। अगर हम किसी भी वर्क को कर रहे हैं तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे ट्रीटमेंट लेने वाले मरीज हैं वो उन्हें हम हर प्रकार से सेवा दे सकते हैं। एक्सीलेंट प्लान का होना उत्कृष्ट मरीज सेवा प्रदान करने का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब हमारे पास में एक्सीलेंट प्लान होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो हम उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। आपको अपने ग्राहकों के विश्वास का निर्माण करना चाहिए, उनके के प्रति हमारे अंदर ट्रस्ट वृद्धि होना जरूरी है। विभिन्न प्रकार की संभावित समस्याओं के निपटने के लिए प्रक्रियाओं का एक सेट भी होना चाहिए। कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, जो पीआरए होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ऐसे कई लोगों हैं जो अस्पताल में रहने के दौरान आपकी देखभाल में योगदान करते हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे लैब लैब टेक्नीशियंस जो हमारे ब्लड सैंपल्स या हमारा सीटी स्कैन या सोनोग्राफी वगैरह हमें करके देते हैं, तो वो भी हमारे देखभाल में योगदान कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ जो हमें 24 घंटे केयर प्रदान करते हैं, केयर देते हैं, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें सुबह शाम आके विजिट करते हैं, हमारा जो भी वाइटल्स वगैरह होता है वो सब कुछ देखते हैं। उसी तरीके से जो पीआरए होते हैं वो भी क्या करते हैं, मरीज की जो खान पान की व्यवस्था है, दवा का व्यवस्था है, अस्पताल में उपचार सही दिया जा रहा है या नहीं,
पेशेंट को हमारी जो अस्पताल की पॉलिसीज़ हैं वो समझ में आ रही है या नहीं, उसे समझाना, ये सब काम पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के होते हैं। वे एक साथ काम करते हैं इस चीज़ पर, सब सारा काम एक चीज़ पर करते हैं। अभ्यास और कर्मचारी का आकार आधार पर चिकित्सा रिसेप्शनिस्ट के कर्तव्यों में थोड़ा अंतर हो सकता है। कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, मत पीआरए में भी और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं? फोन का जवाब हमेशा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। जो पीआरए होते हैं उनका वर्क होता है कि भाई फोन अटेंड करना, भले किसी भी स्थिति में हो उनका जवाब देना। इसमें बिल्डिंग कॉल भी हो सकता है या कॉल को ट्रांसफर करना, मतलब अगर पे फ्रंट डेस्क पे कॉल आ रहा हो या रिसेप्शन पे कॉल आ रहा हो तो उसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना, या कॉलर से संदेश लेना, या सब कुछ उसमें शामिल होता है। कई चिकित्सा रिसेप्शनिस्ट भी रोगियों की नियुक्तियों को निर्धारित करते हैं। जो रिसेप्शन पे वर्क करता है स्टाफ, वह डिसाइड करता है कि जो पेशेंट है वो कहाँ कौन से वार्ड में जाएगा। जिम्मेदारी है जो अभ्यास की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट अक्सर फोन का जवाब देने के अलावा नीतियों का बदलने या उसे रद्द करने में, जैसे अगर जनरल डिजीज का कोई पेशेंट है तो वो जनरल वार्ड में जाएगा, फीमेल वार्ड में जाएगा, मेल वार्ड में जाएगा, तो ये सब रिसेप्शनिस्ट करते हैं। अन्य कार्यों में प्रकाश कार्यालय का काम शामिल है, जैसे अगर दूसरे कार्य वर्क में जैसे डॉक्यूमेंट्स भरना, पेशेंट आ रहे तो उसका कंसर्न लेना, ये सब फ्रंट डेस्क वर्कर्स करते हैं। जो रिसेप्शन पे वर्कर्स होते हैं वो सब कुछ करते हैं, या फोटोकॉपी करवाना या स्कैन करके रखना कोई डॉक्यूमेंट है पेशेंट का। तो विशिष्ट शिक्षा पेशेवर स्थिति का महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक समय में पेशे के लिए शिक्षा की प्रवृत्ति जो संस्थानों में कार्यक्रमों के और स्थानांतरित हो गई है। व्यावसायिकीकरण पेशेवर चरित्र भावना या विधियों और संदर्भित करता है। ये विशेषताओं का एक समूह है। जीवन एक तरीका है जो जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो पीआरए होते हैं वो मतलब ऑलराउंड का वर्क भी कर सकते हैं। पेशेंट को केयर नहीं देंगे पर पेशेंट को किस कौन सी केयर मिलनी चाहिए वो डिसाइड कर, मतलब बता सकते हैं कि आप इस वार्ड में चले जाओ, आपको वहां पर ये डॉक्टर मिलेगा। ओपीडी का ले लो तुम लोग, जैसे ओपीडी में कौन से पे प्रॉब्लम है, तो ये जो रिसेप्शन पे वर्कर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएगा, किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो वो गैस्ट्रो एंटेराइटिस को दिखाएगा, अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाएगा। तो ये सब उसे मालूम होना चाहिए कि हमारी जो हॉस्पिटल के अंदर जो फैकल्टीज हैं वो कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में बैठती है, तो ये सब उनको पेशेंट को बताना होता है। पेशे के लिए मानदंड, जो पेशे के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। जो पीआरए होते हैं उनका बॉडी ऑफ नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर उन्हें पूरा नॉलेज होगा तभी तो वो मरीज को मदद कर पाएंगे कि उन्हें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है। सेवा दिशा निर्देश, मतलब सर्विस ओरिएंटेशन कराना चाहिए रोगी को। रोगी संबंध दूसरों की सेवाओं की परंपरा के रूप में जुड़ा है, हालांकि कुछ नियमों नियतियों और आचार संहिता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। आज रोगी संबंध सहयोगी भी स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौशल और योग्यता, जो पीआरए होते हैं उनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उनमें कौन कौन सा कौशल होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। सुखद पेशेवर और स्पष्ट फोन आवाज होनी चाहिए, मतलब वो जो भी पेशेंट के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छे से करना है उन्हें। प्रोफेशनल होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। फोन की जो आवाज होती है वो क्लियर होनी चाहिए। बहु कार्य करने की क्षमता, कई ऑन आने वाली कॉल या मरीज को एक साथ में संभाल लें, ऐसा वर्क भी होना चाहिए। ये टैलेंट भी उनके अंदर होना चाहिए कि अगर कोई वर्क लोड आ रहा है कि इधर से ईएसआई वाला कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे वर्क करना, उसका वर्क करना है। अगर कोई जनरल पेशेंट आ रहा है तो उसका फॉर्म भरना है, आईपीडी करनी है, ओपीडी के लिए कोई दिखाना आ रहा है तो उसके लिए वर्क करना है। तो ये सारी एक साथ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या एक साथ मरीज आते हैं तो उन सबको हैंडल कर सकें। कुशल और सटीक डेटा प्रविष्टि कौशल,
वो क्लियरली अपना जो भी डेटा वगैरह है या उन्हें बात करने का तरीका वो क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता और बहुलाइन फोन या स्विच बोर्ड अनुभव, उन्हें कंप्यूटर का वर्क का आना भी जरूरी है। यदि कोई अनुभव नहीं है तो संभवतः रिसेप्शनिस्ट इसे जल्दी से सीखने में सक्षम होना चाहिए। अगर उसे नहीं आता है तो उसे जल्दी से गेन करने की भी टैलेंट पीआरए में होना चाहिए। स्वच्छ पृष्ठभूमि, उम्मीदवारों के पास सकारात्मक व्यावसायिक संदर्भ होना चाहिए और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच पास करने में सक्षम होना चाहिए। बुनियादी ज्ञान जैसे मूल गणित, वर्णमाला, संख्यात्मक फाइलिंग की भी आवश्यकता हो सकती है। समय सारणी और भरोसेमंद होना चाहिए, मतलब पंचुअल होना चाहिए और हॉनेस्ट होना चाहिए। पीआरए के क्या क्या लाभ हैं? इसके अंदर मेडिकल रिसेप्शन चिकित्सा क्षेत्र में जोड़ने का एक शानदार तरीका है। जो पीआरए होते हैं वो पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, उसके बारे में बताते हैं। जो पेशेंट है वो अपने हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट लेने के लिए उत्सुक होता है। ये एक उत्कृष्ट प्रवेश स्तर की नौकरी है जो आपको ऐसा करने में रुचि रखने पर अन्य भूमिकाओं का में अपना रास्ता बनाने में भी अनुमति देती है। मेडिकल रिसेप्शन में कैरियर सेट ऑफ घंटों की पेशकश करते हैं। आमतौर पर कार्यालयों में अंगों का आधार पर थोड़ा ओवरटाइम आवश्यक होता है। कभी कभी अगर वर्कलोड ज्यादा है तो हम लोगों को पीआरए में ओवरटाइमिंग में करना भी आवश्यक हो सकता है। यदि आप स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियों के साथ सकारात्मक कार्य वातावरण में हैं तो यह अपेक्षाकृत कम तनाव वाली हो नौकरी होगी। चुनौतियां, पीआरए के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, क्या कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? चिकित्सा कार्यालय और अस्पताल बहुत व्यस्त होते हैं। अक्सर व्यवस्थित वातावरण में कभी कभी रिसेप्शनिस्ट को उसके पास बहुत सारे काम भी मिल सकते हैं, या नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से नहीं रखा जाता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को भी उसे फेस करना आना चाहिए कि एक ही टाइम पर बहुत सारा वर्क लोड आ गया है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, और अगर उसे कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसमें भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसमें भी उससे गलतियां हो सकती। यदि आप प्राथमिकता देने में सक्षम हैं और आप अपना आप जब आप ओवरलोड हो जाते हैं या उनके कर्तव्यों के बारे में निश्चित होते हैं तो आपको ठीक होना चाहिए, मतलब उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर माइंडेड वर्क करना चाहिए अपन को। बस जागरूक रहें कि मेडिकल रिसेप्शन कैचअल भूमिका हो सकती है। कई अलग अलग लोग आपके रास्ते को रोकने के साथ साथ आपकी प्लेट पर जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसे महसूस नहीं करते हैं। यदि आवश्यक हो तो इससे संबोधित करने के लिए तैयार रहें। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न रोगी संबंध मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे मरीज की शिकायतों का जवाब देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें इलाज के दौरान एक अनुभव प्रदान किया जाता है। वो अनुभव कौन सा हो सकता है? अनकारात्मक, ब सकारात्मक, स अव, दोनों, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सकारात्मक अनुभव प्रदान करना चाहिए या अनुभव प्रदान किया जाता है। अस्पताल में रिसेप्शन क्या है? किसी कार्यालय या अस्पताल में स्वागत वह स्थान है जहां लोगों की नियुक्तियों और प्रश्नों का निपटारा किया जाता है। अस्पताल में फ्रंट ऑफिस की भूमिका क्या हो सकती है? जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रिसेप्शन देखते हैं, जहां पर लोग हमारा वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं या वर्क करने के लिए, वेलकम करने के लिए वहां पर सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, और वो हमें सारा सब कुछ बता देते हैं। कौन से डॉक्टर कब आएंगे, किस लिए आएंगे, किस काम के लिए अगर हम गए हैं तो हमें वो सब कुछ ओरिएंटेड करा देते हैं। अस्पताल में क्या क्या भूमिका हो सकती है फ्रंट ऑफिस की? अस्पताल में स्वागत के लिए छवि परिणाम, फ्रंट ऑफिस मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है कि जो हॉस्पिटल का फ्रंट ऑफिस होता है वही, तो फ्रंट ऑफिस अस्पताल का एक विभाग है जो मरीजों को पहली बार आने पर उनसे सीधे बातचीत करता है। हम किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? फ्रंट ऑफिस, उसमें क्या हो सकता है? रिसेप्शन हो सकता है। रिसेप्शन पे जो भी वर्कर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे तो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो अगर हमें पता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में कौन
कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, कौन कौन सी पॉलिसीज लग रही है गवर्नमेंट की, तो हम उसके बारे में अच्छे से उनको बता सकते हैं। विभाग अस्पताल की सभी मरीजों की जानकारी और रिकॉर्ड रखता है। ये संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समग्र प्रभाव को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन होता है उस पर सारी डिटेल्स अपन को मिल जाती है पेशेंट के बारे में, या कोई केयर करवानी है, डायलिसिस करवाना है, उसका टाइम शेड्यूल, डॉक्टर का टाइम शेड्यूल, नर्सिंग स्टाफ की जो भी केयर ड्यूटी टाइमिंग है उसके बारे में, अगर हमें कोई पॉलिसीज लेने के अंदर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो उसकी भी जानकारी हमें रिसेप्शन मिल सकती है, फ्रंट ऑफिस से मिल सकती है। फ्रंट डेस्क क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि फ्रंट डेस्क क्यों इम्पोर्टेंट है। बिना फ्रंट डेस्क के भी अपन लोग ये वर्क कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहां पर स्टाफ, ऐसा स्टाफ रखना होता है जिसे बस ये वर्क करना होता है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उसे दिशा निर्देश करना है कि भाई हाँ ये हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर इन एक्सीडेंट केस में भी कोई पेशेंट आता है तो उसे हमें पता रहता है, पहले इमरजेंसी में जल लेके जाना है, कैजुअलिटी के अंदर लेके जाना है, फिर बाद में आईपीडी करना है, अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो वो रेफर भी हो सकता है। तो ये सब बातें फ्रंट डेस्क वाले हमें इजीली बता सकते हैं। फ्रंट डेस्क पूछताछ का जवाब देने, सहकर्मियों, विभागों के प्रश्नों और निर्देश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। संचार कौशल और व्यक्तिगत उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक व्यक्ति को फ्रंट ऑफिस में मेहमानों के प्रश्नों से निपटने के लिए आत्मविश्वासी, गर्मजोशी, विनम्र, धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस स्टाफ के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? तो जिम्मेदारियों के अंदर सभी आवश्यक सामग्री उसके पास में होनी चाहिए, पेन, पेपर, फॉर्म, सब कुछ के साथ। फ्रंट डेस्क का साफ सुथरा होना भी जरूरी है। मेहमानों का अभिनंदन और स्वागत करने में भी वो सक्षम होने चाहिए। सवालों के जवाब दें और शिकायतों का समाधान करने में भी सक्षम होने चाहिए। सभी इनकमिंग कॉलों के उत्तर दें और डायरेक्ट या संदेश उन्हें डायरेक्ट कर दें कि भाई कोई पेशेंट फोन कर रहा है, हमें इस डॉक्टर से इस टाइमिंग पे बात करनी है, तो डॉक्टर कॉल फॉरवर्डिंग भी फ्रंट ऑफिस स्टाफ का वर्क होता है। पत्र, पैकेज और आदि प्राप्त करना, अगर कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो वो भी जो फ्रंट ऑफिस के वर्कर्स होंगे वो रिसीव करेंगे। एक अच्छा दिशा निर्देश, एक उत्कृष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए आपको पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य नए कर्मचारियों और उसकी नई नौकरी सहकर्मियों और सेटिंग से परिचित कराना। अगर कोई आपके स्टाफ में न्यू मेंबर आता है तो उसे सहकर्मियों और उसका जो वर्क है, जो जॉब रोल है, उसके बारे में बताना होता है। ओरिएंटेशन, ड्रेस कोड, जो पेशेंट्स हैं उनको ड्रेस कोडिंग बताना, या जो अपने कलीग्स हैं उनको ड्रेस कोड बताना, काम के घंटे और अन्य चीजों जैसी चीजों पर भी जाकर उचित अपेक्षाएं निर्धारित करना होता है। धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।